हेलो दोस्तों, मैं हूँ अपना स्पेशल कर तो आज का बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो भाई देखो, आज बेसिकली हम बात करें जी बिल्कुल भाई, वो अटैक कैसे करें। देखो मुद्दे पे ही आऊंगा, मैं बातों को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। तो देखो वैसे भी भाई, देखो वीडियो बहुत ही लेंदी होगा थोड़ा, बट ये है कि अगर आपने आज का वीडियो पूरा देखा देन इसके बाद मैं कुछ ट्रिक्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। बट आज मैं बात करूंगा कि भाई किस तरीके से अटैक किया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी भी टर्फ पे अटैक कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कासल हैगा, मान लीजिए मेरे गिल्ड का है, बट ऐसे कोई अननोन बंदा है, तो किस तरीके से अटैक करें। तो ये चीज आपको एक, देखो सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि ये जो फेलेक्स होते हैं इनका क्या यूज है, अटैक करते टाइम क्या फेलेक्स रखना होता है और डिफेंस करते टाइम क्या फेलेक्स रखना होता है। तो आज हम अटैकिंग पे बात करेंगे कि अटैक करते टाइम आपको क्या फेलेक्स रखना है और बटालियंस का क्या काम होता है, कि ये जो मतलब हम इंस्टेंटली हमें दिखता है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एक, मान लीजिए जैसे कि एक कोई भी डार्कनेस ले लीजिए, ये है तो रैली अटैक पे मैंने क्लिक किया, 5 मिनट पे क्लिक किया, ये जो बटन्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये किस लिए होते हैं, जिससे कि आप फास्ट वे में अटैक कर पाए। बट सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन से हीरोज किस तरीके का लाइनअप रहेगा, बटालियंस को कैसे एडिट करें, तो ये सब आपको एक सीखना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज आपको एक मतलब ब्लास्ट किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं किस सामने वाले पे कैव से अटैक करना चाहता हूं तो मुझे मैक्सिमम कैव भेजना होगा, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा उसमें कैव होना चाहिए, कैव ब्लास्ट है। और कैव ब्लास्ट सिर्फ इससे नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये मेरा कैव सेट है, ये मेरा हो गया कैव गियर, और यहां पर से फिर मैं टैलेंट्स को, अपने इनिशिएट टैलेंट्स को कैव में सेट कर दूं, देन उसके बाद यहां पर सारा कुछ कैव आ जाएगा। और अभी टैलेंट्स के बिना मेरा कुछ देख सकते हो, ज्यादा स्टैट्स नहीं होता भाई, 300% है कैव इसमें सिर्फ, तो इतना कुछ ज्यादा नहीं है। बट अब बात करते हैं कि किस तरीके से अटैकिंग के लिए बटालियन एडिट की जाए। तो जैसे मान लो ये कैव का है, सबसे पहली चीज आपके पास फेमिलियर होने चाहिए जो कैव को सपोर्ट करते हैं। जैसे रेंज अटैक है तो ये इसमें कोई काम नहीं आएगा कैव ब्लास्ट में, इन्फेंट्री है तो भी कैव ब्लास्ट में काम नहीं आएगा, कैव डिफेंस तो यहां पर जो स्लॉट्स है, अगर मैं चाहूं तो ये कैव, देखो ये तो हो गया, ये दो फेमिलियर है जो सब में रहेंगे, आर्मी मैक्स एचपी, आर्मी डिफेंस जो मतलब सामने वाले का आर्मी मैक्स एचपी को डिक्रीज करता है, तो ये दो फेम तो आपके फिक्स है कि आपको ये हमेशा ही यूज करने हैं। बाकी ये देखो यहां पर एक ये आएगा हमारा 26% कैव डिफेंस को बढ़ाता है, ये सारे F2P है। और दूसरी चीज पहला मैंने आपको बता दिया फेमिलियर होने चाहिए जो उसको सपोर्ट करे कैव ब्लास्ट को, तो कैव पे भी मैं बात कर रहा हूं। आप बात करते हैं हीरोज, देखो रोज नाइट एक फिक्स है जो सबको ही रखनी है हर ब्लास्ट के अंदर, क्योंकि ये आर्मी अटैक 20% देता है। और दूसरा हो गया अपना गॉबलिन, गॉबलिन भी 20% आर्मी अटैक देता है, तो ये भी फिक्स रहेगा पूरे एक टाइम में। बाकी अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपके पास वॉचर है, थोड़ा अपर लेवल है, ब्लू लेवल, जैसे मेरा ब्लू हैगा अभी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4% देता है। बट इसी तरीके से अगर आपका गोल्ड या कुछ भी हो जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपको कैव के सिर्फ जो ये कैव लिखा हुआ है, कैवरी लिखा हुआ है, तो ये हीरोज आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं डेथ राइट को सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरे को एचपी बूस्ट देगा 50% और कैव डिफेंस देगा 50%। सिमिलरली नाइट रेवन को सिलेक्ट करता हूं तो ये देगा कैव अटैक 30%, कैव डिफेंस 50%। तो दूसरा हो गया हमारा हीरो क्या है। इसी तरीके से आपको जो भी हीरोज है आपको उसके स्टैट्स चेक करने हैं, क्यों, देखो स्टैट से ही फर्क पड़ेगा। कैव अटैक आपका जो मेन होता है, ब्लास्ट होता है एक तरीके का, वो यहीं से आएगा। तो ये हो गया कैव के लिए। तो ये बात हो गई हमारी लीडर्स, मतलब आपको क्या हीरोज भेजने हैं, वो हो गया। अब बात करते हैं कि आपको ट्रूप्स का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा। देखो सबसे पहली चीज आपको एक समझनी पड़ेगी कि अगर आप सामने वाले पर अटैक कर रहे हो तो आपके ट्रूप्स पक्का डेड होंगे। मे भी हो सकता है कि सामने वाले का मतलब उस पर ट्रूप्स ज्यादा हो तो आपके पूरे के पूरे ट्रूप्स डेड होने वाले हैं। तो देखो एज अ बफर आपको यूज करना होता है इसमें। अब देखो एक रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये 100K भेज 60K, मतलब मान लीजिए मैंने 100K से अटैक किया किसी पे, तो ये आपको याद रखना 40% ट्रूप्स जो होंगे वो आपके होंगे डेड। मतलब कोई भी अटैक अगर आप कर रहे हो, आपके सारे ट्रूप्स मान लीजिए सामने वाले पे ज्यादा ट्रूप्स है, आपने अटैक किया और वो बंदा मतलब पूरा डेड हो गया, तो मान के चलो कि 40% ट्रूप्स आपके जो होंगे वो हो जाएंगे पूरे रेड्स, मतलब वो मर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, T4 सिर्फ मतलब 60% रखने होंगे, T4 60%, T5 है तो 30-20 का रेशियो रख लो, बाकी T4 आपके 60% रहेंगे। बाकी के बचे हुए ट्रूप्स में आपको रखना होगा T2 कैव,
उसका रीजन क्योंकि देखो 40% आपका जो होंगे डेड होंगे, तो इससे क्या होगा T2 डेड होगा भाई लोग। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भाई देखो 60% आपके जो होंगे T4 रहेंगे और 40% आपका T2 रहना चाहिए, क्योंकि देखो T2 रेड्स होंगे तो वो इजिली बन जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका T2 जो होता है वो इजिली बन जाता है, जस्ट 60% सिर्फ T4 रहने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारे ही T2 मतलब आपको 40% में आपको सारे T2 मतलब कैवी भेज रहे हैं। उसका रीजन देखो यहां पर एक थोड़ा सा सीज होना चाहिए। सीज रखने का रीजन ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका मतलब पूरे ट्रूप्स मर गए तो बट 1% चांस ऐसा रहता है कि मान लीजिए आप मतलब ब्लास्ट आपका सक्सेसफुल रहा तो आपका जो लीडर होगा वो वापिस आ जाएगा सीज के थ्रू। तो आपको ये याद रखना है, आपको हल्का सा मतलब उसमें 1000 सीज रखना है, सिमिलरली 1500 या 1000 के अप्रोक्स रेंज T2 और सेम ग्लैडिएटर T2 भी आपको रखना है हर ब्लास्ट के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा ट्रुप्स वो रहेंगे जो आपका ब्लास्ट आप भेज रहे हो, जैसे मैं कैप ब्लास्ट कर रहा हूं तो सिमिलरली यही एक तरीका रहता है। तो अभी मैं बात करूं कि भाई किस तरीके से सेट रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया 60% T4, बाकी 40% में आपको थोड़ा बहुत हजार मान लीजिए कैव है तो 1000 ग्लैडिएटर, 1000 शार्प शूटर और 1000 आपका सीज रहेगा, ये एक मैंडेटरी मान के चलिए आप। तो अब बात करते हैं कि भाई एक तरीके से मतलब बटालियन जो होता है वो कैसे सेट होता है। अब जैसे मेरे एक कैव का बटालियन है, ये मैंने नॉर्मली सेट कर रखा था बट ये कुछ उसके लिए नहीं था, मतलब ये ड्रैगन एरिना के लिए था तो इसीलिए फुल T4 पे अभी, बट इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐड करना होगा। तो इस तरीके से रहेगा। अब बात करते हैं, देखो अब मैं बात करता हूं कि आपका फेलिक्स का क्या यूज है। ये तो हो गया हमारा ब्लास्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने कैव ब्लास्ट रखा है तो आपका हीरोज और बाकी सब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सेट रखना है, कौन सा हीरो चुनना है वो आपको बता दिया, जो आर्मी अटैक और आर्मी मैक्स एचपी देगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। बट याद रखे रैंक 8 होना चाहिए, रैंक 7 से अबव होना चाहिए वो हीरो। तो अब ये हो गया मतलब किस तरीके से ट्रूप का कॉम्पोजिशन रहेगा अटैक करते टाइम, 60% T4 बचा हुआ 40% में आपका जो भी ब्लास्ट है वो रखना होगा आपको। तो ये इस तरीके से रहेगा, जैसे मान लीजिए अभी मेरा 125K मतलब एक 250K के हिसाब से अगर मैं बताऊं 125K हो गया हमारा कैव, बचा हुआ जो भी होगा उसमें मतलब मान लीजिए मैंने 100K T2 भर दिए, ये हो गया, और बाकी बचे हुए में 1000 मेरा ये हो गया सीज, बचे हुए 1000 शार्प शूटर और ग्लैडिएटर हो गए, और बचे हुए में आप कुछ भी मतलब बढ़ा दीजिए 147, मतलब ये हो गया एक पूरा प्रॉपर जो होता है ना 147 ड्रेक राइडर हो गया प्लस 1000 कैव एंड रेंज वगैरह, बाकी कैव हमारा बचा हुआ 100K। तो ये हो गया एक परफेक्ट ब्लास्ट जिसे कहते हैं। और सबसे पहला अटैक आपको मोस्टली सीज का करना चाहिए क्योंकि देखो वॉल सबकी बड़ी होती है तो आपको वो ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं फेलिक्स क्या रहेगा। जैसे मान लो मैंने कैव ब्लास्ट सेट किया, मैं किसी पे कैव से अटैक करने वाला हूं, तो फेलिक्स क्या रखना है। देखो फेलिक्स जो भी रहेगा ना वो आपका हमेशा अपोजिट रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कैव से अटैक कर रहा हूं तो आपको इन्फेंट्री फेलिक्स रखना है। उसका रीजन ये होता है कि आपका जो कैव है वो पीछे रहेगा, इन्फेंट्री आगे रहेगा, एंड देन सामने वाला, जैसे मान लीजिए अगर सामने वाला इन्फेंट्री फेलिक्स में है तो आपको किससे अटैक करना है, कैव से अटैक करना, और कैव से अटैक करने के लिए आपको क्या रखना होगा, इन्फेंट्री फेलिक्स रखना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि सामने वाले का क्या रखना है आपको क्या नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए सामने वाला इन्फेंट्री में है और अभी मेरे को अगर कैव से अटैक करना है तो मेरे को कैव सबसे ज्यादा होना चाहिए मेरे पास। और देखो क्या, अब मान लीजिए सामने वाले इन्फेंट्री फेलिक्स में मैंने कैव भेजा तो आप देख सकते हो, ये एक सिंपल सी मतलब टेस्टिंग है तो टेस्टिंग के लिए देख सकते हो। देखो सामने वाला इन्फेंट्री फेलिक्स में था, मैंने कैव भेजा तो उस पर क्या असर पड़ता है, ये देखो मतलब वो कितनी तेजी से डिक्रीज कर रहे हैं उसके ट्रूप्स, और जबकि मेरे को इतना कोई ज्यादा रेट्स नहीं मिल रहा ना कुछ मिल रहा है इसमें। तो ये होता है टेस्टिंग का वे। मान लीजिए सामने वाला इन्फेंट्री फेलिक्स में तो आपको कैव भेजना है, अगर वो रेंज फेलिक्स में है तो आपको मतलब इन्फेंट्री भेजनी होगी, गार्ड्स जिसे बोलते हैं तो आपको वो भेजने होंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई, देखो धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाते हैं सब, बाकी यही एक सबसे अच्छा तरीका है अटैकिंग का। तो चलिए होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरीके की वीडियोस के लिए कमेंट करिएगा, मैं और भी वीडियोस डालूंगा, जो कुछ भी आपको जानना है आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।